नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात राज्य की। गुजरात जहां एक तरफ कृष्ण की लीला है तो दूसरी तरफ महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महान पुरुषों की जन्मभूमि है। यहां आपको आधुनिक प्रवेश और सदियों पुरानी परंपराओं का सुखद मेल देखने को मिलेगा। गुजरात जो 1980 से पहले भारत की टॉप 10 स्टेट्स में भी नहीं आता था, आज के दिन ये अपने आप में ही एक देश बना हुआ है जो भारत का तीसरा सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है। आप कहते होंगे कि कैसे गुजरात इतना शक्तिशाली राज्य बना और कैसे गुजराती इतने अमीर हो गए, तो आपको बताते चलें कि पूरे भारत की मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी इसी राज्य गुजरात की ही है। एक चौथाई देश का दूध गुजरात में ही प्रोड्यूस हो रहा है, एक चौथाई काटन देश का गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे भारत की 10% एक्सपोर्ट आज अकेला गुजरात कर रहा है। पूरी दुनिया में 10 में से 8 डायमंड आज सूरत में ही पॉलिश हो रहे हैं। इसके अलावा एक तिहाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एक चौथाई दवाइयां आज के दिन गुजरात अकेला ही प्रोड्यूस कर रहा है। पूरे गुजरात में 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। यही नहीं, ये राज्य न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है बल्कि दूसरी स्टेट्स को भी पावर सप्लाई करता है। 55% अमेरिका के होटल आज गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। फ्रेंड्स, गुजराती बचपन से ही धंधा करता है, उनका माइंड ही कुछ इस टाइप का बना दिया जाता है। वो कहता है कि 10,000 की नौकरी करने से बेहतर है क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोल ली जाए। इसीलिए अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना अधिक है। GDP की अगर बात कर ली जाए तो इस राज्य की GDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो पूरे भारत की तुलना से भी कई गुना आगे चल रही है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 30% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 45% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा गुजरात की GDP चाइना की तरह हर वर्ष 12% बढ़ रही है। साफ सफाई के मामले में गुजरात भारत के तीसरे स्थान पर आता है। ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ अपराध की संख्या बहुत ही कम है। यही नहीं, अगर हम ये कहें कि गुजरात एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता तो ये पूरी दुनिया में चाइना और साउथ कोरिया को छोड़कर तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होता। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर गुजरात एक देश होता तो ये दुनिया की 67th रिचेस्ट नेशन होती। इस राज्य के अगर एरिया की बात की जाए तो इस राज्य का कुल एरिया 75,685 स्क्वेयर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के कारण ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की अगर GDP की बात की जाए तो इस राज्य की GDP 15 trillion US dollar है यानी 200 billion US dollar। इस राज्य में सबसे अधिक उपयोग होने वाली भाषा गुजराती है और इसी भाषा को ही इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सम्मान हासिल है, जबकि यहाँ हिंदी भाषा का उपयोग भी किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट डेजर्ट इसी राज्य में ही पाया जाता है जो रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर और चेन्नई के बाद गुजरात के सिटी सूरत को तीसरा रिचेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पर हर गृहस्थी के पास एवरेज इनकम 5,50,000 रुपये है। भारत के सबसे अमीर लोगों की बात की जाए तो हर 5 आदमियों में से 2 गुजरात से ही हैं। इतना ही नहीं, भारतीय मूल के हर 5 अमरीकियों में से आपको एक गुजराती ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में 60% इंडियन पॉपुलेशन गुजराती ही है। चंडीगढ़ और मैसूर के बाद सूरत भारत का तीसरा सबसे क्लीनेस्ट सिटी भी माना जाता है। गुजरात को लैंड ऑफ वेजिटेरियन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे अधिक लोग वेजिटेबल खाना लाइक करते हैं। इस राज्य में 17 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि आप देश के किसी भी भाग से स्टेट के किसी भी भाग में ईजिली जा और आ सकते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक चीनी की कंजप्शन इसी राज्य गुजरात में ही होती है और भारत की सबसे बड़ी शुगर मिल भी इसी राज्य में ही पाई जाती है। इस राज्य को लैंड ऑफ लाइन भी कहा जाता है क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में 523 लाइन पाए गए हैं। पूरे भारत में एक ही जेलीफिश की लेक है और वो भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलेगी। इस संसार की सबसे पुरानी शिप बिल्डर की फैक्ट्री भी इसी राज्य गुजरात में ही मौजूद है
जो 400 वर्ष पुरानी है। गुजरात ने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स में भी रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, जिसमें इंडिया की 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट गुजरात अकेला ही देता है, 9% इंडिया की मिनरल प्रोडक्शन, 24% टेक्सटाइल प्रोडक्शन, 35% फार्माकूटिकल प्रोडक्ट्स और 50% पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन भी अकेला गुजरात ही करता है। इसके अलावा ये राज्य भारत की 98% सोडा ऐश की ज़रूरत को भी पूरी करता है। यही नहीं, ये राज्य 78% साल्ट की कंजप्शन भी पूरी करता है। दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा डीनम की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी राज्य गुजरात में ही होती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो एशिया का सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट कैपिटल भी माना जाता है, जबकि लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। गुजरात के अगर धर्म की बात की जाए तो इस राज्य में सबसे अधिक लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं, जिनकी कुल संख्या 88.57% है। 9.6% लोग यहाँ इस्लाम धर्म को मानते हैं और बाकी बचे लोग जीनिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिज्म और बुद्धिज्म का पालन करते हैं। इस राज्य की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो इस राज्य की कुल पॉपुलेशन 6,04,39,692 अफराद पर मुश्तमिल है और इस हवाले से ये राज्य भारत के 9वें स्थान पर आता है और पूरे भारत की 5% जनसंख्या इसी राज्य में ही रहती है। इस राज्य में हर वर्ष एक काइट फेस्टिवल भी मनाया जाता है। गुजरात का लिटरेसी रेट 78% है। इस राज्य में लार्जेस्ट OFC का नेटवर्क भी है, जो 50,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैरी गोल्ड को इस राज्य का स्टेट फ्लावर माना जाता है। ग्रेटर फ्लेमिंगो को इस राज्य का स्टेट बर्ड माना जाता है। मैंगो को इस राज्य का स्टेट फ्रूट माना जाता है। एशियाटिक लाइन को इस राज्य का स्टेट एनिमल होने का सम्मान हासिल है। एशिया का सबसे बड़ा स्टैचू इसी राज्य में ही पाया जाता है, जिसकी हाइट 182 मीटर है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी गुजरात राज्य के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल फैक्ट्स टाइम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मज़े वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस देश के बारे में देखना चाहते हैं। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विक्की को दीजिए अनुमति।